मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर सरकार ने इतना सारा पैसा खर्च किया है चिकित्सा और स्वास्थ्य पर पिछले 64 वर्षों में, तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही? हर साल नई नई बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? तो इसका उत्तर है कि हमारे देश की सरकार ने ये जो पैसा खर्च किया 10 लाख करोड़, ये सारा का सारा पैसा एलोपैथी और विदेशी चिकित्सा पद्धति पर खर्च किया। और एलोपैथी चिकित्सा में सबसे ज्यादा सरकार ने दवाओं का उत्पादन बढ़ाया इस देश में। आजादी मिलने के समय में इस देश में 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 दवाएं बन रही हैं। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवालजिन, एनाल्जिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफेन बूटाजोन, क्विलोक्विनोल, रेमिटिडिन, डाइक्लोफेनेक, ऐसी 84,000 दवाएं बन रही हैं। पहले सिर्फ 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 बन रही हैं। और समस्या इन दवाओं से शुरू होती है। क्या कि ये जो दवाएं बन रही हैं हमारे देश में और हमें खिलाई जा रही हैं, ये दवाएं हमें और ज्यादा बीमार बना रही। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इन सभी दवाओं के शरीर पर भयंकर नुकसान हो रहे हैं। इन दवाओं के हमारे शरीर पर सैकड़ों तरह के नुकसान हो रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम से बताऊं। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवालजिन, एनाल्जिन, एस्प्रो, इको स्प्रिन, ऐसी हजारों दवाएं हैं जिनको भारत में एनल्जेसिक मेडिसिन कहा जाता है। एनल्जेसिक मेडिसिन के बारे में समझने के लिए आप समझिए दर्द निवारक दवाएं जो दर्द को थोड़ा कम करती है। एस्पिरिन आपके दर्द को कम करती है, डिस्प्रिन दर्द को कम करती है, और इस तरह की हजारों दवाएं हैं। ये सारी दवाएं जो हम दर्द निवारक या दर्द को कम करने के लिए खाते हैं, ये सब हमारी किडनी को खराब करती है, हमारे गुर्दों को खराब करती है। अगर आप लगातार इन दवाओं को खा रहे हैं तो आपके दोनों गुर्दे बेकार हो जाएंगे, ये पक्की बात है। इन दवाओं के कारण हमारे देश के लाखों लोग दुखी हैं। पहले उन्होंने ये दवाएं खाई दर्द मिटाने के लिए, अब इन दवाओं ने उनके गुर्दों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समस्या अब ये है कि गुर्दे खराब हो जाए तो उनका इलाज नहीं है एलोपैथी। एकमात्र इलाज है और वो है कि नए गुर्दे लगाओ। और नया गुर्दा लगाना किसी गरीब के बस में नहीं है, क्योंकि 3.5 लाख रुपए में एक नया गुर्दा लगता है, 7 लाख में 2 नए गुर्दे लगते हैं। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और एक दूसरा इलाज है, वो है डायलिसिस। और डायलिसिस के इलाज में इतनी पीड़ा और इतना दर्द होता है कि कोई भी आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि जब किसी मरीज को डायलिसिस पे हम ले जाते हैं तो वो एक ही बात बार बार दोहराता है कि मुझे मार डालो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है कि सारे शरीर का खून निकाला जाता है और उसे साफ करके मशीन के माध्यम से वापस शरीर में डाला जाता है। तो शरीर से खून को निचोड़ना और वापस उस शरीर को डालना, ये बहुत ही पीड़ादायक काम है। और इसलिए ज्यादा मरीज डायलिसिस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दर्द से ही मर जाते हैं। अब गुर्दे खराब हो जाएं, ऐसी हजारों दवाएं हम खा रहे हैं और लाखों लोग इस बीमारी से परेशान हैं। आपको मैं एक जानकारी दूं कि जो एनाल्जेसिक दवाएं हम खाते हैं, एस्पिरिन, डिस्प्रिन जैसी, ये दवाएं दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंद हो चुके हैं। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, ब्रिटेन में, बेल्जियम में, ऐसे दुनिया के सैकड़ों देशों में जो दवाएं 50 साल पहले, जो दवाएं 20 साल पहले बंद हो गई, वो हमारे यहाँ अभी भी बिक रही हैं और हमें खिलाई जा रही है। एस्पिरिन ऐसी ही दवा है, डिस्प्रिन ऐसी ही दवा है,
नोवलजिन ऐसी ही दवा है, एनालजिन ऐसी ही दवा है, सेरिडोन ऐसी ही दवा है, एस्प्रो ऐसी ही दवा है, बुकालजिन ऐसी ही दवा है, ये सब दवाएं दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंद हो गई, कई देशों में 50 साल पहले बंद हो गई। और इनके बंद करने का कारण एकमात्र कि ये गुर्दों को खराब करती है, किडनी को डैमेज करती है, इसलिए कई देशों ने इन पर पाबंदी लगाई है। लेकिन भारत में ये दवाएं सबसे ज्यादा बिक रही हैं और हम इन्हीं दवाओं के कारण और ज्यादा तकलीफ पा रहे हैं। और एक उदाहरण बताऊं, हम लोग कई बार ऐसी दवाएं खाते हैं जो हमें बुखार कम करने के लिए दी जाती है, एंटी पायरेटिक मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल, जैसे गोबेरॉन, जैसे निमूसलाइड, जैसे निमूलाइड, ऐसी सैकड़ों दवाएं हम खाते हैं बुखार कम करने के लिए। ये सारी दवाएं लीवर को खराब करती हैं और गुर्दों को भी खराब करती हैं। इसी तरह से हम बहुत सारी दवाएं खाते हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन जिनको कहा जाता है, जब दस्त हो जाते हैं, पेचिश हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है, तो अक्सर हमको एक दवा खिलाई जाती है मैक्साफोर, मेंट्रोबायोफोर, और इन दोनों दवाओं से अगर हमारे दस्त ठीक नहीं हुए तो फिर और एक स्ट्रॉन्ग दवा खिलाई जाती है क्विलोक्विनोन। और ये सारी की सारी दवाएं मैक्साफॉर्म, एंट्रोबायोफॉर्म, क्विलोक्विनोन, ये आंतों में घाव करती, और आंतों का घाव अगर बढ़ गया आपका, आप जल्दी उसे ठीक नहीं कर पाए, तो वो अल्सर में बदलता है, अल्सर से फिर पेप्टिक अल्सर होता है, और पेप्टिक अल्सर से आगे की एकमात्र स्टेज है वो कैंसर, और कैंसर के बाद फिर मौत। हमारे भारत के बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जिनको आंतों का कैंसर होता है, जिनको पेट का कैंसर होता है, ऐसे 99% मरीज वो हैं जो एंटी पायरेटिक मेडिसिन खाके मर रहे हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन खाके कैंसर से मर रहे हैं। बहुत खतरनाक है। ऐसे ही कुछ दवाएं हैं जिनको हम एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन्स कहते हैं, हृदय के रोगों के लिए जो दवाएं दी जाती है कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन, ये सभी दुष्परिणाम करती हैं खून पर। आपके हृदय रोग को नियंत्रित करने के लिए जो दवाएं खिलाई जाती हैं वो खून को पतला करती है, और खून जब जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है तो थोड़ी सी भी चोट आपको लगेगी तो इतना खून निकलेगा आपके शरीर से कि आपकी खून निकलने से मौत हो सकती है। हर साल भारत में लाखों लोग मर जाते हैं। अक्सर आपने अखबारों में और टेलीविजन पर एक खबर ये सुनी होगी कि एक्सीडेंट हुआ और मरीज को अस्पताल ले जाते उसका शरीर छूट गया, माने मर गया। अस्पताल ले जाते कोई कैसे मरता है? वो ऐसे मरता है कि उसको इतना खून निकल चुका होता है कि अस्पताल पहुंचते समय वो मरा हुआ होता है। अब इतना खून कैसे निकल गया किसी का? वो ऐसे निकल गया कि उस व्यक्ति का खून बहुत पतला हुआ, एक्सीडेंट हुई उसमें खून निकला, पतला है ज्यादा खून, तो वो जमता नहीं है और वो निकलता ही रहता है और इसमें मौत होती है। आप जानते हैं खून को ज्यादा पतला होना बहुत खतरनाक है, और वो इतना खतरनाक है कि जरा सी देर में मौत हो जाए। हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन ऐसी ही है जो खून को पतला करके लोगों को मारता है। हर साल भारत में 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और हर साल करीब 3.5 से 4 लाख लोग मरते हैं, और ज्यादातर जो लोग मरते हैं वो खून के पतला होने के कारण मरते हैं। आपको एक बात मालूम है, ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसमें खून निकलना अगर शुरू हो तो वो तुरंत अपने आप रुकता है। हमारे खून का बाहर की ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ जैसे ही संपर्क आता है, ब्लड का अपने आप क्लॉटिंग शुरू होता है, खून रुक जाता है। लेकिन जिनका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है उनको क्लॉटिंग नहीं हो पाती और वो खून निकलने से मर जाते हैं, और उन बेचारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका कारण वो दवाएं हैं जो वो खा रहे थे कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन के।
ऐसी हम 84,000 दवाएं खाते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं खाता। जो दवाएं अमेरिका में बंद हैं, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में, वो हमें खिलाई जाए, और इनके कारण और ज्यादा हम गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। कई ऐसी दवाएं हैं अंग्रेजी एलोपैथी की जो आपको अल्सर करती हैं, एसिडिटी करती हैं, हाइपर एसिडिटी करती हैं, और आप पेट की जलन से परेशान रहते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको गले में जलन करती हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आपके होंठ सूख जाते हैं, आपके शरीर की नमी खत्म हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, ऐसी बहुत दवाएं। इन सब दवाओं के दुष्परिणाम होते हैं, और दुर्भाग्य हम सबका ये है कि डॉक्टर्स को ये सब मालूम होता है लेकिन वो हमें बताते हैं। उनका ये लालच रहता है कि अगर आपको ये सारे दुष्परिणाम पता चल गए तो आप वो दवा ही नहीं खाओगे, तो उनका अपना बिजनेस है, वो परेशानी में आ जाए।